वेलकम बैक टू बिक्रम ट्यूटोरियल। यू आर वॉचिंग माई चैनल बिक्रम ट्यूटोरियल, योर फेवरेट चैनल, एंड यू आर लर्निंग ऑल द थिंग्स वाट एवर आई टेल यू, वाट एवर आई टीच यू। आई थिंक यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स ऑन योर कॉपी। हाउ डू यू फील नाउ? आई थिंक यू आर फीलिंग बेटर एंड बेटर, एंड डे बाय डे यू आर इंक्रीजिंग। आई थिंक यू आर डेवलपिंग डे बाय डे। देन प्लीज टेल मी इन कॉमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट टू नो योर स्टेटस। ओके, let's talk about the sentence, and we have the day 27 and my target is 90 days, so please watch daily and keep watching daily. Okay, and now we will talk about the sentences. Pure gaon mein aaj halla hua. Now we will talk in Hindi also, because all the sentences I will take in Hindi and English. To mere gaon mein aaj halla hua, the whole village was rocked today. आज पूरे गांव में अक्सर बोलते हैं, आज पूरे गांव में हल्ला हो गया। तो द होल विलेज वाज रॉक्ड टुडे। रॉक मतलब हल्ला होना, रॉक मतलब ही होता है जैसे टूटना, जैसे रॉक मतलब चट्टान होता है, तो रॉक का मतलब चट्टान मतलब हल्ला होना, पूरा फैल गया, तो रॉक्ड टुडे। ओके, तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा सेंटेंस नहीं होता अंग्रेजी का, बहुत ऐसा फ्रेज में भी होता है जिसको प्रोवर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बारे में पूरे गाँव गलत गलत बात करता है। तो बोलते हैं ना बराबर, ये बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि उसके बारे में लोग गलत गलत बात करता है, तो उसके लिए हम यहाँ लिखे हैं द होल विलेज पीपल। विलेज नहीं बोल देंगे, पूरा गांव का मतलब गांव के लोग। गांव कैसे बात करेगा, गांव का भी बात करता है कि गांव इस, तो ऐसा थोड़े होता है, गांव के लोग। तो यहाँ पे छिपा हुआ बात है कि गांव के लोग, तो वहाँ पूरा गांव मतलब पूरे गांव के लोग। द होल विलेज पीपल टॉक रॉन्ग रॉन्ग थिंग, गलत गलत बात करता है, रॉन्ग रॉन्ग थिंग और अबाउट हिम। तो रॉन्ग रॉन्ग थीम का एक और बढ़िया होगा जो यहाँ पे लिखे हैं हमने, फॉल्स र्यूमर्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो गलत गलत बात होता है उसको बोलते हैं फॉल्स र्यूमर्स, अफवाह उड़ना। कहता मेरा र्यूमर है ये, जैसे पिक्चर उसे देखने में कहता ना ये र्यूमर उड़ रहा था, तो र्यूमर का मतलब तो अफवाह। एक बार बता दे, र्यूमर RUMOR, र्यूमर मतलब अफवाह, जैसे आपके बारे में भी उड़ता होगा, हम लोग के बारे में अक्सर अफवाह उड़ता है, तो अक्सर अफवाह उड़ता है, उस पर ध्यान नहीं देना। यू हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो देख रहे हैं आगे सेंटेंस है, उसका नाम बदनाम हो गया। कहते हैं ना कि इतना उसका अफवाह उड़ा, इतना रॉन्ग रॉन्ग बात हुआ, इसका क्या हो गया, बदनाम हो गया। तो ही गॉट, यहाँ पे लिखे होंगे ही गॉट ए बैड नेम, तो उसने एक बुरा नाम पाया। बदनाम हो गया मतलब उसने एक बुरा नाम पाया, मतलब जैसे बोले ना कि एज यू थिंक, सेंटेंस वैसा रिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, सेंटेंस इज नॉट कंस्ट्रक्टेड लाइक दैट, जैसा आप सोचते हैं वैसा कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। Are you getting or not? Always I ask you. Are you getting or not? Please tell me. And again I repeat. Please share my video to your friends, to your friend circle, to your relatives and so on. Next sentence is what? तुम अपने काम से काम, sorry, तुमको हमसे क्या दुश्मनी है? अक्सर बोलते हैं कि तुमको हमसे क्या दुश्मनी है? है? तो क्या दुश्मनी है, तो यहाँ पे लिखे देखिए, व्हाट डू यू हैव विथ मी, देखिए कितना डिफरेंट है, दुश्मनी इसमें आया ही नहीं है। तो तुमको मेरे साथ क्या है, मतलब क्या है, मतलब दुश्मनी है, प्रॉब्लम है, क्या है, तो व्हाट डू यू हैव विथ, इतने तक बोलेंगे, व्हाट डू यू हैव विथ मी, व्हाट डू यू हैव विथ मी, मेरे साथ क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम। तो वो ये हम लोग विथ अगर मी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम शुड बी क्रिएटेड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखता है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखता। तो लिखे हुए व्हाई यू डोंट वर्क ऑन योर ओन, मतलब अपने काम से, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, यू कैन नोट इन योर कॉपी। यू व्हाई यू डोंट वर्क ऑन योर ओन, ऑन मतलब अपना होता है, अपने काम से काम क्यों नहीं रखता है, बहुत ही वेरी गुड सेंटेंस वो ली थी, बहुत सुंदर सुंदर। तुमको उससे नहीं लगना चाहिए, मतलब तुमको उससे नहीं लगना चाहिए, तुमको उससे उलझना नहीं चाहिए। और उलझना का होता है मेस, MESS, मेस विथ मतलब किसी से उलझना, तो वही लिखे हुए हैं, यू शुड नॉट मेस विथ हिम, तुमको उससे उलझना नहीं चाहिए था, सॉरी चाहिए था नहीं। आगे होता है मेरा सब समय बर्बाद हो गया, तो मेरा सब समय बर्बाद हो गया मतलब वहां पे हिडन है, यहाँ पे देखिए एक चीज छिपा हुआ है यू, ठीक है, यहाँ पे यू छिपा हुआ है। Wasted my time मतलब तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, सारा समय बर्बाद हो गया, मतलब किसने किया, उसने किया, यानी तुमने मेरा समय बर्बाद किया। You wasted my time,
मेरा समय निकालो, मेरा समय दो, कैसे दोगे? तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज प्रीसियस एंड ऑलवेज यूज दिस दैट टाइम इन योर एम, अपने एम में, अपने लक्ष्य में ध्यान दें और दुनिया का कोई भी चीज पे ध्यान नहीं दें। अक्सर जो समटाइम्स क्या मतलब क्या बोलते हैं, हमेशा ऑलवेज हम ये देख रहे हैं, टुडे नाउ ए डेज वी आर लुकिंग एट द सोसाइटी, ऑल द चिल्ड्रेन स्पेशली 90% चिल्ड्रेन, व्हाट टू से, आई थिंक दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ, वे लोग अपना जीवन खुद बर्बाद कर रहे हैं। देखिएगा, फिर बोलता हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ, आई एम वार्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सी एट फर्स्ट सी योर एम, एम मेक योर एम एंड लगातार कंटिन्यूअसली गो ऑन योर ओन एम, ठीक है? अपने एम पे लगातार जाइए, देन यू कैन अचीव योर एम, अदरवाइज यू कांट, अदरवाइज का मतलब तो नहीं तो, यू कांट गेट योर, यू कांट गेट सक्सेस। सो प्लीज प्लीज कीप अटेंशन टू दैट माई वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मेरा तो किस्मत ही खराब है। और जब आप नहीं करते, यू इफ यू डोंट वर्क, तो एक चीज बोलते हैं अक्सर, जैसे मैं भी बोलता हूँ कभी कभार, लेकिन ये दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये गलत बात है कि आप लोग कोई भी चीज अगर नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। किस्मत नहीं होते हैं, किस्मत को बदलने के लिए वर्क करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क फॉर गेटिंग योर एम। सो प्लीज आप एक बार मेहनत तो कीजिए, देखिएगा आपका किस्मत अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए बोलते हैं, मेरा किस्मत, माई लक इज वेरी बैड, मेरा लक इज वेरी, मतलब मेरा लक बहुत खराब है, बोलते हैं ना, मत बोला कीजिए, डोंट टॉक लाइक दैट। नेक्स्ट, वह हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, मार खिलाता है, तो हम क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज क्वारल्स विथ मी एंड मैक्स मी बीट, बीट मतलब होता है मार मारना, तो मार खिलाना का हो जाएगा मैक बीट, ठीक है? तो थोड़ा सा देख लीजिए, मार खिलाना का कोई और भी वर्ड होगा, यहाँ पे सूट भी नहीं कर रहा अच्छा से, तो ये हो जाएगा ही ऑलवेज क्वारल्स विथ मी, वो हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, एंड मैक्स मी बीट, जब खिलाना ये सब होगा ना, तो अगर कोई दूसरा वर्ड अगर मिले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बता दें, दूसरे स्टूडेंट्स उससे वो फायदा उठा पाएंगे। लास्ट सेंटेंस है, मेरे पापा के कान में वो लोग मेरे लेके गलत गलत बात कह दिया है। अक्सर ये सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, तो दे हैव मेड फॉल्स र्यूमर्स, अभी बोले थे ना कि ये बात हम लोग बोलते हैं, दे हैव मेड फॉल्स र्यूमर्स अबाउट मी, वो मेरे बारे में गलत गलत अफवाह फैला दिया है। किसके कान में? तो हम लोग बोलते हैं टू माई फादर, ने मेरे पापा को बोल दिया, मेरे पापा के कान में। तो र्यूमर कैसे फैलता है? तो कान में ही फैलता है। तो इस प्रकार से देखे कि आज हम लोग 10 सेंटेंस को, मनीषा कुमारी के सेंटेंस को लिया। मनीषा कुमारी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्टूडेंट एंड सी ऑलवेज फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट आई से टू हर। सो प्लीज यू आल्सो फॉलो माई रूल एंड रेगुलेशन एंड कीप वॉचिंग डेली ऑल द वीडियोज, एंड वी हैव कम्प्लीटेड डे 27 वीडियोज, यानी 27 दिन का वीडियो हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं आज वाले वीडियो लेकर के। तो 26 दिन का वीडियो गो एंड वॉच, एट फर्स्ट सर्च माई चैनल नेम इज विक्रम ट्यूटोरियल, एंड आफ्टर दैट गो इन प्ले लिस्ट एंड यू विल सर्च स्पोकन एंड देन अगेन गो एंड क्लिक, यू विल फाइंड ऑल द वीडियोज, 26th वीडियो, सॉरी ऑल द वीडियो, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग बोलेंगे ऑल द वीडियोज ऑफ 26th डे, ठीक है? सारा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम होता है ये बात आज आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बट मैं अक्सर ऑलवेज आई हैव ऑलवेज वॉच्ड योर कमेंट, यू डोंट कमेंट एनीथिंग, यू ओनली वॉच एंड लाइक एंड फ्ली अवे ऑलवेज। ओके, नाउ वी गो हेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस, एंड वी हैव कम्प्लीटेड वन पैसिव वॉइस आई थिंक, एंड नाउ टूडे वी विल डिस्कस मॉडल, मॉडल पैसिव वॉइस, मॉडल पैसिव वॉइस। तो मॉडल पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन। कैसे? जैसे कि मेरे द्वारा किताब खरीदा जा सकता है,
मेरे पर किताब खरीदा जा सकता है, जा सकता है तो जैसे बोलेंगे, मेरे द्वारा किताब पढ़ाया जाना चाहिए तो जैसे ही हम लोग ये देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग चलते हैं, तो रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या हो जाएगा, मॉडल, मॉडल में कौन कौन होता है, तो शुड लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, एटसेट्रा लगा सकते हैं। अब प्लस उसके साथ एक छोटा सा वर्ड लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीई, बी, छोटा सा वर्ड, ज्यादा नहीं, छोटा सा वर्ड यूज करना है बी। अब बी के बाद ऑलवेज इन पैसिव वॉइस वी यूज V3, ऑलवेज इन ईच एंड एवरी पैसिव वॉइस शुड बी फॉलोड बाय B+ and V3। तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, V3। अब V3 के बाद एक छोटा सा एजेंट को जोड़ने के लिए बाय का प्रयोग होता है, एंड बाय के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेंटेंसेस, रूल एंड रेगुलेशन। तो नाउ वी कैन टॉक द सेंटेंस इन हिंदी, हिंदी सॉरी इन इंग्लिश। तो मेरे द्वारा किताब खरीदा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स, बुक्स कैन बी, या मे बी, कैन बी, क्या बाय का क्या हो जाता है, बॉट, या बाउट, बहुत लोग बाउट पढ़ता, बाउट, बाय क्या हो जाएगा, मी बाय मी। क्या इफ इज देर एनी कंफ्यूजन टू ऑल ऑफ यू, इज देर एनी कंफ्यूजन, तो आई थिंक यू हैव नो कंफ्यूजन। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, अगेन आई रिपीट, प्लीज गो इन कमेंट बॉक्स, एंड यू शुड कमेंट ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पोकन। एंड नाउ यू आर वॉचिंग दैट आई हैव आई नाउ टॉक इन इंग्लिश, व्हाट डू यू फील नाउ, कैन मे आई टॉक ऑलवेज इन इंग्लिश, क्या मैं हमेशा अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ ना। तो देखिएगा, तो का मतलब सो यू कैन वॉच, आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, बट यू हैव टू, बट डायरेक्ट टू डायरेक्ट, यू हैव टू डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम लोग सीख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा किताब पढ़ाया जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा किताब पढ़ाया जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बुक्स, बुक्स क्या हो जाएगा, पढ़ाया जाना चाहिए, हाँ, बुक्स शुड बुक्स बी, ठीक शुड बी। है, बुक्स शुड बी क्यों लगे, शुड क्यों लगेगा, हम बता चुके हैं, सकता है तब हम लोग कैन लगाएंगे, मे लगाएंगे, जब चाहिए चाहिए हो तो जाएगा तब लोग शुड लगा देंगे, और अवश्य चाहिए अगर बोलेंगे तो मस्ट लगा देंगे। ठीक है, आप बात को समझ पा रहे हैं ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, यू आर गेटिंग और नॉट, प्लीज प्लीज, गेटिंग और नॉट गेटिंग ना, यस। तो बुक्स शुड बी क्या, पढ़ाना का टाउट, बुक्स शुड बी टाउट बाय मी। और भी अगर लंबा रहता तो हम लोग आराम से क्रिकेट खेला जाना चाहिए, तो आप लोग देखते हैं ना, क्रिकेट शुड बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्रिकेट क्रिकेट शुड शुड बी बी प्लेड प्लेड बाय द प्लेयर्स, के खिलाड़ियों के द्वारा क्रिकेट खेला जाना चाहिए। अब हम वो बात करेंगे इन लोग से, कुंदन के द्वारा खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड कुक्ड बाय कुंदन। बाय कुंदन, ठीक है, खाना बनाना का होता है कुक, कुक मतलब खाना बनाना। अगर हम बोले मेरे द्वारा किताब पढ़ाया जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, बुक्स शुड बी बुक्स शुड बी टॉट टॉट बाय बाय मी। मी। ठीक है, आपको इस तरह जितना भी होगा, जाना वाला जब लग जाएगा, जा और जाना, तो समझ जाइए, और साथ में उसके साथ वर्ब और भी है, तो समझ जाइए दिस इज द पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है बात को, जैसे और भी सेंटेंस लेंगे, मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत लोग के दिमाग में ये आता होगा, लेकिन बट पूछ नहीं पाते होंगे, बट आई विल क्लियर टुडे, आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स। बट अब यहाँ पर जैसे हो गया, मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, बट अब क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं, तो अपने मन से अगर जो बात बोलेंगे
ऑब्जेक्ट अपने आप हिडन है, तो आपको क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो सोचेंगे, तो बुक्स को पढ़ाएंगे या आपको स्पोकन पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए यहाँ पे नोट कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पोकन बुक्स, और भी चीज, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो अगर हम बोलेंगे ईट, तो ईट भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है ना, तो ऑब्जेक्ट में ईट भी हो सकता है, लेकिन ईट मतलब क्या, कौन चीज, वो तो आप वहां पे इंगित करें यह, तो यह मतलब क्या, तो वो बात बता सकते हैं, तो ईट या तो ईट भी बता सकते हैं, जैसे ये बता रहा है ईट, ईट भी लगा सकते हैं, क्योंकि सबके लिए तो ईट ही लगा सकते हैं, ये बुक्स स्पोकन केमिस्ट्री सब क्या है, ईट है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आप प्लस तब हम लोग तो बोलते ही बोलते हैं ईट, तब हो जाता है यहाँ पे ईट शुड बी, इट शुड बी टाउट, टाउट बाय मी, तो बात समझ में आ गया होगा कि जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए सिर्फ इतने बोल देंगे तो बहुत लोग, मैनी स्टूडेंट्स विल बी रॉन्ग, कैसे गलत हो जाएंगे, बिकॉज वो तो समझ ही नहीं पाएगा पढ़ाया जाना चाहिए, मेरे द्वारा बोल देगा माई पी, क्या क्या बोल देगा पता नहीं, तो ऐसे डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो, दैट मीन्स यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सो समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ ना, मे आई होप, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आई थिंक आई मे होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा समझ में आ गया होगा तो क्या आप निगेटिव नहीं बना सकते हैं, कैन यू नॉट मेक निगेटिव सेंटेंस, कैन यू नॉट फॉर्म ए निगेटिव सेंटेंस, आई थिंक यू कैन फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, एंड हु इज न्यू इन माई चैनल एंड दिस वीडियो इज वॉच्ड बाई यू, देन एट फर्स्ट गो एंड गो इन प्ले लिस्ट एंड एट फर्स्ट वॉच ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू स्पोकन एंड देन वॉच दिस वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, बिकॉज नाउ आई डोंट टॉक इन हिंदी, आई एम ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड टाइम फास्ट, so you have to be fast and at first please all the videos should be watched by you, because ऐसे देखिए जैसे ही हम बोलते हैं ना तो हम उसको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बात समझ गए, तो निगेटिव वाला हम लोग कर लेंगे कंस्ट्रक्ट, मेरे द्वारा, अगर इसी बात को हम निगेटिव में बोले, मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता है, मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही रूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बट इन सब्जेक्ट फॉर्म प्लस कैन कुड, मतलब जितना भी है मॉडल, सीधे मॉडल लिख सकते हैं, मॉडल, मॉडल के बाद क्या लग जाएगा नोट, और नोट के बाद क्या लग जाएगा बी, बी के बाद भीतरी, भीतरी के बाद सब्जेक्ट, बट इन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे बाय लग जाएगा पहले, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, क्या समझ में आ गया होगा, तो मेरे द्वारा जैसे हम बोले मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो हो जाएगा मेरे द्वारा क्या नहीं, तो बुक्स, अपने मन से ले लेंगे बुक्स, तो क्या जा सकता है, क्या हो जाएगा पढ़ाना जा सकता है, क्या हो जाएगा, तो बुक्स जा सकता है, जैसे हो गया तो हो जाएगा मे या कैन लगा देंगे, सबसे बढ़िया हो जाएगा, तो बुक्स कैन नॉट बी टाउट, टाउट बाय मी, तो ये क्या करेंगे आप लोग घर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली यू हैव टू यू नीड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसका मतलब यू नीड प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली फॉर स्पोकन, यू नीड 1 आवर टाइम फॉर स्पोकन, आपको 1 घंटे की जरूरत है स्पोकन के लिए, एंड यू थिंक आई विल गिव 30 मिनट्स एंड यू आई विल लर्न स्पोकन, दिस इज नॉट राइट थिंग, दिस इज नॉट गुड थिंग, द गुड थिंग इज टू प्रैक्टिस 1.5 आवर कम से कम, इन एटलीस्ट 1.5 आवर, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ओके, आर यू गेटिंग प्रॉपरली ना नाउ, देन प्लीज प्लीज ऐसा प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में ये लोग बोल नहीं पाएंगे और आशीष फिर बाजी मार जाएगा, तो एक्चुअली इतना वीडियो बना देते हैं, वीडियो को देखना देखता भी नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट भी नहीं देखता, बनाने जब बोलते हैं तो ताकने लगता है, तो मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ, तो आप लोग भी ऐसा ना करें प्लीज, जब भी करें फोकस ऑन योर स्पोकन, अगर आप स्पोकन जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस करें और ट्राई करें, आई कांट कंस्ट्रक्ट, ये तो आप सोच लिए कि हमसे नहीं होगा, एक सेंटेंस आपको होमवर्क दिए, हमसे नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए,
अगर पूरा वीडियो देखते हैं, स्किप नहीं करते, खाली सुपर सर्व करने से नहीं होगा, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, हमसे नहीं होगा का क्या अंग्रेजी होगा, क्या आप कर पाएंगे कमेंट, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो आज का वीडियो आप लोगों ने देखा, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव, इसी प्रकार निगेटिव में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सॉरी इंट्रोगेटिव में लिख सकते हैं, लेकिन वो आप खुद कंस्ट्रक्ट कीजिए। दिस इज माई होमवर्क एंड प्लीज प्लीज रिपीट द सेंटेंस डेली एंड थिंक दैट टाइप ऑफ सेंटेंस विच कैन बी यूज इन योर स्पोकन। सो प्लीज नाउ वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू एड, प्लीज बी हैप्पी, बी कूल एंड व्हाट टू से, I want to say many things, but I will not say. So please be all be happy, keep watching daily, and if you like my video, then please like, hit the like button, and at first subscribe my channel. My channel name is Vikram Tutorial, and don't skip my video, please. Jai Hind, Jai Bharat.